हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने कितना खूबसूरत सा ये डोरमेट बनाया है। इसे मैंने फटे पुराने कपड़ों में से बनाया है और इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया। ये देखने में कितना सुंदर सा लग रहा है और ये बहुत ही हमारा ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये डोरमेट बनाया है। तो चलिए इस कलरफुल डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह की वेस्ट पड़ी हुई कुर्तियों में से डोरमेट बनाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक कुर्ती है, ये पूरी तरह से फट चुकी है, तो इसे हम पहन तो नहीं सकते हैं, तो इससे हम डोरमेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से छोटे छोटे सर्कल पीस कट करेंगे। तो इसे मैंने डबल करके ही रखा है। और इस तरीके की कोई भी हम प्लेट लेंगे जो हम घर पर यूज करते हैं, और उससे हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो कुर्ती को मैंने डबल करके रखा है जिससे कि हमारे एक बार में दो पीस कट हो जाएंगे। आपके पास जो कोई भी कपड़ा हो आप उसमें से ये पीस कट कर सकते हैं, और जितने भी कलर के आप इसमें यूज करना चाहते हैं उतने कलर के आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये तीन कलर इसमें गोल गोल पीस कट कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पर ये तीन कलर यूज करूँगी। आप जितने भी इसमें कलर यूज करना चाहते हैं उतने कलर के आप इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल काट सकते हैं। तो अब हम इनको एक साइड से कर देंगे। मैंने यहाँ पर ये बेस के लिए ये पैंट में से कपड़ा कट कर लिया है। जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप इसमें से कपड़ा कट कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर इतना बड़ा ही बनाना है। और ये मेरे ब्लाउज का पीस है, इसमें से मैंने ये 5-5 इंची की ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से प्लेट लगाते हुए हम इस पट्टी को लगा के तैयार कर लेंगे। तो फोल्ड करके हमें इस पट्टी को लगाना है, तो इस तरीके से प्लेट्स लगाते हुए हम इसके चारों ओर ये पट्टी सिलकर तैयार कर लेंगे। आप इसे सिलाई मशीन या सुई से भी सिल सकते हैं। तो इसके चारों ओर मैंने इस तरीके से डबल करके ये लेस लगा ली है, इस तरीके से प्लेट्स लगाते हुए। ये देखिए मैंने डबल करके लगाई है। तो अब हम सबसे पहले येलो वाला लगाएंगे। तो येलो वाले जो हमने सर्कल कट किए थे उनको लेंगे और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसे सेंटर से इसमें प्लेट लगाएंगे इस तरीके से, और एक बार हम इस साइड से लगाएंगे, एक प्लेट्स हम इस साइड से, और इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरीके से हम इसे भी अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी डिजाइन बन जाएगी। तो यहाँ से रखते हुए हमने जो सिलाई लगाई है वहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे और इसे हम सिल लेंगे। सुई और धागा लेंगे, इसे हम मशीन से भी सिल सकते हैं। तो एक हमने ये लगा लिया है, तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला लेंगे और उसे भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और बीच में सबसे पहले हमें बीच में प्लेट्स लगानी है, फिर साइडों से एक हम इस साइड से लगाएंगे और एक हम इस साइड से। अब हम इसे जो ये कॉर्नर्स है इसे अंदर की साइड कर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड से कर देंगे। तो इसे भी हम इसी के साथ यहाँ पर सिल लेंगे। Thank you.
तो इसी तरीके से हम इसके चारों ओर ये लगा के तैयार कर लेंगे। आप इसे हाथ से, सिलाई मशीन से, किसी से भी इसे आप लगा सकते हैं, और जितने भी आपको इसमें लगाने हैं उतने आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको एक रो लगानी है तो आप एक रो लगाएं, दो लगानी है दो, तीन, जितनी भी आपको एक कलर की लगानी है उतनी आप लगा के इसमें तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें दो रो लगा ली हैं इस तरीके से येलो कलर की। अब हम इसमें दूसरा कलर यूज करेंगे, तो इसके भी हम इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे इसे, उसके बाद इसमें प्लेट लगाएंगे दोनों साइड से, और इसके भी इस तरीके से डिजाइन बना के हम यहाँ पर इसे लगा लेंगे इस तरीके। तो इसके भी हम चारों ओर इस पर लगा लेंगे। जितने भी हमें इसमें कलर यूज करने होंगे उतने हम इसमें यूज करके लगा के इसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अपना पीस लिया, उसे इस तरीके से फोल्ड किया, तो उसके बाद हम सेंटर में एक फोल्ड लगाएंगे, फिर साइड से, फिर दूसरी साइड से, फिर हम यहाँ से, और फिर हम इसे यहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी डिजाइन बन जाएगी। तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लगाकर जितनी भी हमें इसमें इस कलर की रो लगानी होगी उतनी हम इसके चारों साइड से लगा लेंगे, और इसके बाद हम दो रो हम इस कलर की लगाएंगे, फिर इसके बाद हम इस वाले कलर की लगाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये हमारा पीस है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद सेंटर में ये फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा पीस है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, साइड से एक फोल्ड, एक प्लेट लगाएंगे, दूसरी साइड से लगाएंगे। अब हम इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे, और इसे भी हम इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से बाइट्स बन जाएगा। तो इसे भी हम यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे इसके बाद। तो इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने इसे पूरा सिलकर तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमारे जो बीच में जगह बच गई है उसके लिए मैंने यहाँ पर ये येलो कलर का कपड़ा लिया है जो हमने गोल कट किए थे, और छोटे छोटे कर्तन लेंगे, उनको हम इसमें भर कर इसकी एक पोटली बना लेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसे धागे से यहाँ पर बांध लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ये पोटली बन गई है। तो अब हम इस पोटली को इस यहाँ पर सिलकर लगा लेंगे, सुई और धागा लेंगे, उसकी हेल्प से हम इसे इसमें सिल लेंगे चारों ओर से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पोटली लगा ली है। तो ये हमारा डोरमेट बनके तैयार हो गया है। तो ये हमने कितने आसान तरीके से बना लिया है, और वो भी हमने इसे फटे पुराने कपड़ों से बनाया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।